तय कर लेना कहीं, एक ब्लॉक के या एक तहसील या एक जिले का कहीं कार्यक्रम कर रखिए, जल्दी जा कर के पार्टी में और मुझे बुलाइए, मैं आपके जरूरत पर आ जाएगी। इसलिए जरूरत हमारे मनाने से केवल नहीं, हम चाहते आपका भी जन्मदिन मनाया जाए, आपके बारे में विचार किया जाए। इसलिए आप देख रहे हैं कि लोकसभा के अंदर आज हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग लड़ रहे हैं, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, अन्याय के खिलाफ न्याय का साथ दे रहे हैं। आपको मैंने कई बार कहा, अन्याय का विरोध न्याय का साथ हमेशा देना, अन्याय का विरोध करना और न्याय जो कर रहा है तो उसका साथ देना, अन्याय का विरोध न्याय का साथ जितने देना। सुबह हो जाके मैं हस्ताल अपील करता हूँ तो समाज में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण पार्टी हो जाएगी, लोगों को विश्वास हो जाएगा ऊपर। इसे आज हम आपको बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। आपने मेरे जन्मदिन पर सारा काम काज छोड़ कर के सर्दी में आप यहाँ आए हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत करते हैं। इससे ज़्यादा लंबा भाषण नहीं देना चाहते, क्योंकि यही चाहते हैं कि आपका भी जन्मदिन मनाया जाए और हमें बुलाया जाए, ये हम चाहते हैं। हमारा तो जन्मदिन बनेगा कई साल से, आप बताइए कोई एक। सुनो सुनो हमारी बात सुनो, अरे मेरी बात सुनो, कोई खड़े होके कहे अपने, अरे भाई ठीक है, अरे सुन लिया, आप में से कोई खड़ा हो जाए और अपना जिला बता दे और जिला में आप जन्मदिन मनाएंगे किसी कार्यकर्ता का, कोई खड़ा हो जाए बताए। अच्छा हाथ नहीं, अच्छा मुझे पत्र लिख देना, आप पत्र लिख देना कि हम अपने जिले में फला का जन्मदिन मना रहे हैं, हम आशा करते हैं और आपसे अपील करते हैं आप भी आए, तो मैं आऊंगा। क्या करोगे ऐसा? देखिए वचन के पक्के रहिए, अगर वायदा किया है तो पूरा करो, वायदा खिलाफ भी भ्रष्टाचार है, अगर वायदा करो सोच समझ के तो उस वायदे को पूरा करो। इसे आज हम यही चाहते हैं, हमारा जन्मदिन इतना कई शासन बना रहे, खर्चा कर रहे हैं, सर्दी है, इतनी विशाल भीड़ है, ये सब काम छोड़ के आए। महसूस करता हूँ तेल विचारों के लिए हम क्या करें, हमारे पार्टी के कुछ कार्यकर्ता नेताओं से बात करके हमारे अपने जन्मदिन से कोई एक ऐसा फैसला करेंगे आपके लिए, ये मेरी राय है। नेता सब बैठे हैं, वो सोचेंगे कि हम आम जनता के लिए क्या करें, तभी हमारा जन्मदिन मनाने का उद्देश्य हो जाए, लक्ष्य है सफल हो जाए, सम्मान भी हमारा हो जाए, जब आप लोगों का भी जन्मदिन मनाया जाए। इसलिए अब ज़्यादा नहीं कहना चाहते, मैं आपका बहुत आभारी है, बहुत एहसानमंद है कि आप सर्दी में भी, कड़ाके की सर्दी में इतनी दूर से विशाल भीड़ रहे आए हैं हमें बधाई देने के लिए, मुझे सम्मान करने के लिए।